बॉडी के अंदर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ एक्सेस ब्लीडिंग भी होती जा रही है। उसके साथ साथ काफ़ी महिलाओं के फेस के ऊपर या चेस्ट के ऊपर एबनॉर्मल हेयर ग्रो हो रहे हैं। कई महिलाएं होती है जो कंसीव नहीं कर पाती, कंसीव करने के अंदर दिक्कत आती है, क्या वो भी एक सिम्टम है PCOS का? काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं फीमेल के अंदर। क्या आप एक महिला है, क्या आपके भी मर्दों की तरह चेहरे के ऊपर दाढ़ी और मूंछ आने लगी है? क्या आप इसको हल्के में ले रही हैं? क्या आपके पीरियड्स समय पर नहीं आते, समय पर आकर के भी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर आपको रोज़ाना कहीं ना कहीं जो है थकावट महसूस होती है? तो इन सबको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आजकल ये बीमारी महिलाओं के अंदर नॉर्मली चल रही है। और इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है और ये आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। डॉक्टर सोनू फोगाट, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि PCOS की प्रॉब्लम किन किन महिलाओं के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है? मैम, अगर देख आज के टाइम में नॉर्मली 70-80% ऐसी महिलाएं हैं जिनके महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स हैं उनके अंदर इरेगुलरिटी टाइप से अधिक देखने में मिल रही है। पीरियड्स हैं वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन में आ रहे हैं, उसके साथ साथ शरीर के अंदर कमजोरी है, बॉडी के अंदर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ एक्सेस ब्लीडिंग भी होती जा रही है। उसके साथ साथ काफ़ी महिलाओं के फेस के ऊपर या चेस्ट के ऊपर एबनॉर्मल हेयर ग्रो हो रहे हैं। ये सारे लक्षण PCOS के ही हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बात करते हैं। और काफ़ी महिलाओं के रिसोली बन जाती है जो बच्चेदानी के अंदर है, ये चीज़ें भी PCOS के ही अंदर आती हैं। ठीक है, कई महिलाएं होती है जो कंसीव नहीं कर पाती, कंसीव करने के अंदर दिक्कत आती है, क्या वो भी एक सिम्टम है PCOS का? PCOS का सिम्टम, हाँ ये भी उसी का सिम्टम है, क्योंकि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनके महीने हैं वो काफ़ी इरेगुलर टाइप के चल रहे हैं, या तो वो आते नहीं, आते हैं तो एक्सेस ब्लीडिंग आती है, जिसकी वजह से महिलाओं को जो बच्चा कंसीव करने हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चा कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं इस वजह से। ठीक है, अगर पीरियड्स की बात की जाए तो 2-4 दिन आगे या पीछे नॉर्मली चल जाता है, लेकिन PCOS के अंदर इरेगुलर पीरियड्स किस तरीके से आते हैं? PCOS के अंदर जो इरेगुलर पीरियड्स हैं 3-4 महीने तक रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। हाँ जी, ये चीज़ें मतलब कई बार पीरियड्स आते हैं लेकिन उनका जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है या वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो ये सारा कुछ उसी के अंडर में आता है। डॉक्टर, अगर मेनली बात की जाए PCOS की, तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? इसके सिम्टम्स में पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, उसके साथ साथ जो साइकिल है वो इरेगुलर रहती है, महिलाओं की मूड स्विंग एक्सेस होते हैं, इसके साथ साथ शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होती है, काफ़ी महिलाओं के अंदर ओवरवेट की भी समस्या इसी के अंदर देखने को मिलती है। साथ साथ जो पीरियड्स आ रहे हैं या साइकिल है जैसे हम, तो वो इरेगुलर इस टाइप से रहती है, 2-3 महीने तक उनकी साइकिल ही नहीं आती है, तो इसकी वजह से काफ़ी महिलाओं को जो बच्चा कंसीव करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, अगर बात की जाए अब हॉर्मोन्स की, क्योंकि हॉर्मोन्स का मुद्दा हमेशा से ही चलता हुआ आया है, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो 10th क्लास से ही हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये हॉर्मोन डिसबैलेंस से भी क्या ये समस्या आ सकती है? मैम, ये सारा कुछ हॉर्मोन डिसबैलेंस की वजह से ही देखने को मिलता है। फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उसका लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, और फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है लेकिन ये फीमेल के अंदर भी पाया जाता है, तो इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाने की वजह से जो फेस के ऊपर है एबनॉर्मल हेयर ग्रो होना, इसके साथ साथ जो फीमेल हैं उनके अंदर मेल वाले सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, किस एज की महिलाओं में ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं? नॉर्मली ये दिक्कतें 18 से 19 साल में स्टार्ट हो जाती हैं, और ये दिक्कत 15 की एज तक भी, जब तक मेनोपॉज की कंडीशन आती है उस टाइम तक भी ये चीज़ें जो रिसोली है, गांठ बनना है, ये सारी चीज़ें उस एज तक भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या PCOS के अंदर गांठ भी बनती है? हाँ, ये काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पता नहीं चलता, वो कभी भी जब नॉर्मल USG अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसके बाद पता चलता है कि उनके तो गांठ बनी हुई है, क्योंकि इसी वजह से उनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है या बच्चा कंसीव हो रहा है। काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया है लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको मिसकैरेज की दिक्कत देखने को मिलती है, ये भी सारा कुछ PCOS के अंदर में आता है, क्योंकि उनके वहाँ पर गांठ बन जाने की वजह से जो बच्चा है उसके अच्छे से
डेवलपमेंट नहीं हो पाती, वो टाइम से पहले ही जो मिसकैरेज की दिक्कत देखने को मिलती है, इसके साथ साथ बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर बात की जाए PCOS की, मेरे ख्याल से कॉमन बीमारी चल रही है, 60-70% महिलाओं के अंदर PCOS होता है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, तो पता कैसे चले, इसका डायग्नोज क्या है, इसके टेस्ट कैसे होते हैं? इसके सिम्टम वाइज हम ये महिलाओं के अंदर खुद नोटिस से ही पता चल जाता है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, इसके साथ साथ उनके फेस पे कोई एबनॉर्मल हेयर तो नहीं ग्रो कर रहे हैं, ओवरवेट तो नहीं हो रहा है, या काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उनके अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं फीमेल के अंदर, या थायराइड की इशू की वजह से भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, डायबिटिक और थायराइड पेशेंट के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर बात की जाए दवाइयों की, तो PCOS के अंदर दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती है और होम्योपैथी के अंदर इसका कैसे इलाज हो सकता है? अगर होम्योपैथी वाइज हम चलें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उनको मुख्य तौर पे ये चीज़ें स्ट्रेस की वजह से देखने को मिलती हैं, उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके हार्मोन डिसबैलेंस होते जा रहे हैं, तो मुख्य फैक्टर ये रहते हैं। अगर हम जो मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है वो उनके सिम्टोमेटिक बेस पर दी जाती है, महिलाओं के क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, उनके क्या स्ट्रेस है, ये सारा कुछ महिलाओं से जब केस चेकिंग करते हैं तो उस टाइम डिस्कस की जाती है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है वो पॉजिटिव फैक्टर बॉडी से रिमूव किया जाता है जिसकी मेडिसिन दी जाती है। जब बॉडी से वो पॉजिटिव फैक्टर ही चला जाता है तो महिलाओं के जो PCOS की सिम्टम्स आ रहे हैं वो कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं, और या जिन महिलाओं की गांठ भी बनती है तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। मान लीजिए डॉक्टर कि किसी महिला को स्ट्रेस या डिप्रेशन है किसी और वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, तो क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन के बाद उनके अंदर PCOS की समस्याएं क्रिएट होने लग जाती हैं? महिलाओं के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी PCOS की जो समस्या है वो अधिक देखने को मिलती है नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर बात की जाए इसके टेस्ट की, तो क्या कुछ ऑपरेशन भी होता है या फिर सिर्फ दवाइयों से ही इसका इलाज हो सकता है? नहीं मैम, अगर दूसरी पैथी के बारे में बात करें तो दूसरी पैथीज में क्या किया जाता है, वो यही प्रेफर करते हैं कि मैम आपको सिस्ट बना हुआ है तो आप सिस्ट का ऑपरेशन ही करवा लीजिए, वही परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर जिन भी महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं या जिनके सिस्ट बना हुआ है वो मेडिसिन से ही ठीक किया जा सकता है, उनको कोई ऑपरेशन की या अनदर वे ऑफ ट्रीटमेंट की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और होम्योपैथी मेडिसिन है वो सारे सिम्टमों को क्योर करती है, ना कि पर्टिकुलर एक सिस्ट के। काफ़ी ऐसी थेरेपी हैं जिनके अंदर खाली सिस्ट को रिमूव कर देते हैं लेकिन उनके पीरियड्स भी इरेगुलर रहते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर ये सारा कुछ कवर होता है जनरल मेडिसिन के थ्रू ही। बिल्कुल, ये देखिए होम्योपैथी के अंदर PCOS का पूरा इलाज संभव है। हालांकि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर के इलाज कराते हैं तो वो सीधा रसौली का या फिर गांठ का ऑपरेशन बताते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं बताया जाता बल्कि उसको क्योर किया जाता है। क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद भी कई बार होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर चलते हैं और आपकी PCOS की समस्या सॉल्व नहीं हो पाती। पैरों के अंदर खिंचाव की समस्या एक आम बीमारी बन चुकी, हालांकि अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो महंगे महंगे इलाज वहां पर बता दिए जाते हैं लेकिन उसका कोई स्थायी इलाज नहीं बताया जाता। आज मेरे साथ यहां पर फिजियोथेरेपी के थ्रू पैरों के खिंचाव की समस्या को दूर करने का रास्ता डॉक्टर बताएंगे, और आपको बता देती हूं कि इसको आम समस्या के अंदर नस के ऊपर नस चढ़ना भी कहा जाता है। डॉक्टर गरिमा, मुझे ये बताइए कि इसके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है और पेशेंट घर पर रह करके इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपने बात करी नस पे नस चढ़ने की, आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि लोग रात को कहते हैं कि हमारे नसों में खिंचाव आ रहा है, नस पे नस चढ़ रही है, तो उसको हम नस पे नस चढ़ने को हम मसल क्रैम्प्स कहते हैं। ये किस कारण से हो सकता है? ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के कारण या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इनकी कमी के कारण। और जो पेशेंट जैसे प्रेगनेंसी हो गई, जो एथलीट्स होते हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम तक रनिंग करते हैं, तो उनके काफ में और उनकी टांगों में मसल में स्ट्रेंथ ना होने के कारण उनको थकावट सी महसूस होती है जिसके कारण उनको मसल क्रैम्प्स की समस्या आती है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई। सबसे पहले अगर हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हम क्या बताएंगे, हम ये एक्सरसाइजेज घर पर भी कर सकते हैं। मसल क्रैम्प्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी मांसपेशी होती है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे नस पे नस, रात में नस पे नस चढ़ गई, खिंचाव आ रहा है,
तो उसके लिए आज मैं आपको घर पे करने के लिए कुछ वर्जिश बताऊंगी। उसके लिए है, सबसे पहले हमारी मसल की बात की जाए तो वो है काफ मसल। काफ मसल के लिए हम क्या करते हैं, पैर के पीछे कोई भी बेल्ट लेके या कोई भी दुपट्टा, ठीक है, उसके थ्रू हमें इससे खिंचाव देना है, पंजे को अपनी तरफ देना है, पैर को नीचे बेड से टिका के रखना है, जिसके कारण हमारे यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव होगा। ये इसको यहाँ से खींचेंगे, पैर को इस पे भिड़ा के रखना है, बेड पे उठाना नहीं है, जिसके कारण हमारी यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। दूसरा अगर हम देखें तो और कौन सी मांसपेशी में खिंचाव आता है, वो होती है या हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग की मसल में खिंचाव आता है तो उसमें भी हमारे को स्ट्रेन होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू हमें पैर से जोर नहीं लगाना और इसी के थ्रू हमें उठाना है। ये उठाएंगे, पैर का जोर नहीं लगाना, बेल्ट से ही या फिर जो भी चीज़ आपने लगा रखी है पैरों से, उसी से ही उठाना है, जिससे हमारे यहाँ की हैमस्ट्रिंग की मसल में खिंचाव आएगा, ठीक है। तीसरी अगर हम मांसपेशी की बात करें, तीसरी एक्सरसाइजेज जो हम घर पे कर सकते हैं, उसके लिए घुटने को मोड़ना है, सर यहाँ से पकड़ना है नीचे से और पैर को ऊपर ले जाना है ऐसे, इससे भी हमारी हैमस्ट्रिंग की ही मसल के अंदर खिंचाव आएगा। चौथी अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, जिस मसल में हमें खिंचाव चाहिए, जिस मांसपेशी, जिस काफ मसल में हमें खिंचाव चाहिए, उस पैर को पीछे रखेंगे और दूसरे का घुटना मोड़ के आगे जाना है, और पीछे ये एड़ी नहीं उठानी, इससे हमारी यहाँ की मांसपेशी में खिंचाव आएगा। कोई भी एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, कई बार कुछ एक्सरसाइजेज हमें नहीं करनी होती, इसीलिए ये नस पे नस चढ़ने की ये जो दिक्कत है उसके लिए हमें पहले अपने थेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसर्न करके ही हमें एक्सरसाइज करनी है। पांचवी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रेन आने की वो रहती है, वो होती है हमारी क्वाड्रिसेप्स, जो आगे की मांस पे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन झेलने को मिलता है। जैसे हमें इसके लिए करना है, इसको मोड़ो, इसको यहाँ से पकड़ के खींचना है, इससे हमारी यहाँ की मांसपेशी के अंदर खिंचाव आएगा। ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हम घर पे कर सकते हैं, जिनको ये नसों पे नस चढ़ने की ये दिक्कत आती है, वो कहते हैं कि हमें मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो पहले वो अपने डॉक्टर से, अपने थेरेपिस्ट से कंसर्न करके ही एक्सरसाइज करें। तो आगे भी आपकी बीमारी से जुड़ी हुई इसी तरीके से डाउट्स क्लियर करने के लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं मदर हॉस्पिटल हिसार से आज अपने पेशेंट का रिव्यू लेते हुए। नमस्कार भाऊजी। नमस्कार जी। भाऊजी कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक हो जी? हाँ जी। अच्छा जी, भाऊजी कहाँ से आते हो आप? मैं दादरी के पास गांव दातोली से आता हूँ जी। दादरी के पास गांव दातोली है। अच्छा, वहाँ से आता हूँ। क्या दिक्कत आ रही थी भाऊजी? मेरे पेशाब में दिक्कत थी। पेशाब में दिक्कत थी? हाँ। कितने दिनों से भाऊजी आपके दिक्कत आ रही थी? ये साल भर। साल भर से? तो भाऊजी इसका इलाज कहीं और भी करवा रखा था आपने? मैंने कहीं पहले कहीं इलाज नहीं करवाया, मैंने सिर्फ जो है ना, हाँ, ये मदर हॉस्पिटल के ऐड जो है ना अखबार के अंदर देखी थी, उसके बाद में मैं जो है निसार मदर हॉस्पिटल में आया और मैंने यहाँ से अपना इलाज शुरू करवाया। अच्छा, अभी कितने दिन हो गए जी भाऊ जी आपको मदर हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं? मेरे को हो गए जी 42 दिन हो गए। 42 दिन हो गए? हाँ। अभी आप संतुष्ट हो यहाँ के इलाज से? बिल्कुल दुरुस्त हो। बिल्कुल संतुष्ट हो? चलो जी, धन्यवाद भाऊ जी। धन्यवाद जी आपका। दोस्तों, मैं मदर हॉस्पिटल से आज अपने पेशेंट का रिव्यू लेते हुए। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आप कहाँ से हो? इसार से। आपका शुभ नाम क्या है मैम? कांता शर्मा। कांता शर्मा मैम, आपको क्या इशू आ रहा था जी, क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे घुटनों में दर्द था। घुटनों में दर्द? हाँ। कितने दिनों से दर्द था जी? एक महीने से। तो आपने इसका ट्रीटमेंट कहीं और भी चलाया होगा? हाँ चलाया। हाँ हाँ, दवाइयाँ ली थी मैंने 2-3। तो वो दवाई से क्या होता था, मतलब आराम होता था नहीं होता था आपको? उसमें ये था, जैसे दवाई ली तो उस टाइम मेरा ठीक रहा 2-3 घंटे से, उसका दोबारा फिर हो गया। अच्छा, तो अभी आप फिलहाल कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हो? मैं अब मैं मदर हॉस्पिटल से करा रही हूँ। अच्छा, मदर हॉस्पिटल से कितने दिनों से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो? मुझे 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए आपको? हाँ। आप अभी आके इलाज से, जो आप यहाँ पे थेरेपी ले रहे हो,
कितना संतुष्ट हो जी आप? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे काफ़ी फ़र्क है। धन्यवाद मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं मदर हॉस्पिटल से अपने पेशेंट का रिव्यू लेते हुए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम क्या है? डिंपल वर्मा। डिंपल वर्मा जी, तो मैम आप कहाँ से आते हो? नौगेरा, सेक्टर नौगेरा से। अच्छा जी मैम, आपको क्या इशू आ रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे को सर्वाइकल माइग्रेन है। अच्छा, सर्वाइकल भी था और माइग्रेन भी था जी। कितने दिनों से मैम आपको ये दिक्कत आ रही थी? मेरे को काफ़ी दिनों से, 8-10 साल पुरानी। अच्छा, तो आपने इसका काफ़ी जगह पर ट्रीटमेंट करवाया होगा पहले? जी, मैंने हिसार में भी काफ़ी जगह कराया है, जयपुर भी जाके आई थी, दिखा के आई थी डॉक्टर को। अच्छा जी, जयपुर तक जा चुके हो मतलब आप ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको मतलब संतुष्टि मिली थी वहाँ के कोई इलाज से? नहीं, संतुष्टि मिली, दवाइयाँ भी इतने ठीक थी बस उसके बाद में। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल आप कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हो जी? मदर हॉस्पिटल हिसार से। तो कितने दिनों से मैम ट्रीटमेंट करवा रहे हो जी? मुझे 8-10 दिन। तो यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हो जी? हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद मैम।